आगे बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। चाय पी थी? कैसी लगी? हाँ ये देखिए रियल रिव्यू इधर से आता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रवासी पहाड़ी ब्लॉग। सो गाइस, आज जाना है हमें यमुनानगर तो दीदी के घर पे। तो फिलहाल तो अभी 7:30 बजे का टाइम दे रखा था, ताई जी के साथ और दीदी के साथ जाना है। तो गाड़ी 7:30 आएगी, तो इतने में सोच रहा हूँ चाय बना लेते हैं, फिर अपना जाएंगे बाद में। तो चलिए तब तक चाय बनाते हैं। रेडी हो चुके हैं, चाय चुई पी ली है, अब चलते हैं। सामान सामून ले लिया जो भी है, पीठ में यहाँ वहाँ मास्क जेब में है फिलहाल, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ले लिए हैं फ्रूट, अब चल रहे हैं। और भैया बीच में कह रहे थे कि यार मेरे को कैमरे मत लेना, तो हमने पार्ट डिलीट कर दिया है, तो अब फ्रूट ले लिए, तो चलिए चलते हैं। लेट हो रहे हैं थोड़ा, आ गए हैं ये हमारे ताई, इनका घर है यहाँ पे। तो यहाँ से अब जाता हूँ ऊपर पहले, फिर जल्दी जल्दी हो रही थी बहुत। हाँ तैयार हो गए? यहाँ नीचे आंकड़ा। हाँ जी, हो गए तैयार? गाइस जल्दी जल्दी कर रहे थे, पर अभी खुद भी ढंग से तैयार नहीं हुए। ये देख सकते हैं आप, लड़के जूते भी पहने अभी। हाँ भाई कितनी देर लगी? हाँ तो जल्दी पहनो जूते, मेरे को जल्दी जल्दी कही थी। देख सकते हैं गाइस, ये देखिए जल्दी मचाने वाले लोग हैं, पर खुद लेट हैं, तो क्या कर सकते हैं। गाइज ये देख सकते हैं, ये फालतू सी नौटंकी होती है, जो इनके व्यू देखो यार, मतलब हैरान रह गया मैं तो। आपको भी दिखाता हूँ, 145 मिलियन व्यू यार, और क्या है कुछ भी नहीं। सो गाइज सामान देख सकते हैं आप कितना हो रहा है यार। अच्छा हुआ इनने गाड़ी बुक कर ली, अपना ले जाने में तो ऐसी हो जाती, तीन बंदों में और बच्चे भी हैं तीन साथ में। ये है गाड़ी, अब जाएंगे, सामान सामून रख दिया है, ये आ रहे हैं इधर उधर से निकल के आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, सारे आ गए, अब चलते हैं थोड़ी देर में, बस ड्राइवर भाई का वेट हो रहा है। गाइस चलिए चलते हैं, रक्षु थोड़ा आगे हो भाई, एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड रुको रुको रुको, एक सेकंड थोड़ा अब बैठ जा भाई, ये आ गया भाई। तो चलिए बैठ गए हैं गाड़ी में। सो गाइस अब चल दिए हैं, चलिए आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। अब सीधा ये बैठे हैं पीछे हमारे सारे पैसेंजर, ये देखिए। चलिए ये हमारे नजरगढ़ से है स्पेशली, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ से जगह धरी है 228 किलोमीटर, मैप पे लिखा है 3 से 4 घंटे का रास्ता, चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। आगे चलिए देखते हैं। हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। आगे जाना टाइम लग गया तो फिर हम तो क्या होगा, फिर भी पहुँचेंगे ना। जा आए गाइस आगे कुछ बोलना चाहोगे? कहाँ जा रहे हो आप? गुड़गांव नहीं जा रहे, जगाधरी जा रहे। किसके बर्थडे में जा रहे हैं हम बता दे, किसके बर्थडे में जा रहे हैं नाम बता। हाड़े नहीं है उसका नाम तो बता, नक्शु ये बताएगा हमारा स्वाति किसके बर्थडे में जा रहे हैं। नक्शु के, नक्शु के। तो गाइस वहाँ जाके आपको नक्शु से ही मिलाऊंगा। डिग्गल टोल जो दिखाया अभी आपको, ये फ्री कर रखा है, टेंट पीछे लगे हुए हैं किसान आंदोलन के, तो यहाँ सारे टोल फ्री है। गाइस अभी रुके हैं डीजल डलवाने के लिए गाड़ी में, चलिए डलवाते हैं, पूछ लो कितना डलवाना क्या करना है।
यहाँ गाड़ी को दोबारा बैक करना पड़ेगा, हम समझे उधर लगानी है, पर भैया कह रहे थे इसकी टंकी पीछे की साइड है तो इसको बैक करके लगाओ, तो अब बैक करके लगा रहे। 82 रुपए लीटर है डीजल और हमने टंकी फुल करवाई है अभी। आ जा भाई, तो चलिए अब चलते हैं। बैठ भाई बैठ। अरे आ थोड़ा अंदर आ यार, गेट बंद करूंगा फिर। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस अभी तेल डलवाया, कार्ड लेके गए थे, उनने कह दी मशीन खराब है, और जिस बंदे में कैश ना हो क्या करेगा फिर बताओ। वो तो अच्छा हुआ यहाँ कैश था हमारे पास इमरजेंसी के लिए, तो पेमेंट हो गई। ये वाला था टोल हमारा, रोहतक पानीपत वाला टोल, ये भी फ्री है। अच्छा, फ्री है। किसान आंदोलन के चलते पूरे हरियाणा में सारे टोल फ्री हैं। अच्छा। हरियाणा सरकार का रिवेन्यू का एक घाटा और जनता का फायदा, चलो बराबर हिसाब लगा लो। सो गाइस अभी रुके हैं एक ढाबे में, देखते हैं नाश्ता करते हैं, क्या करते हैं, क्या अच्छा है। देखा तूने पहले कभी अच्छा है नहीं अच्छा है। सो गाइस ये है ढाबा, और ढाबे में बहुत अच्छा है, कहा था ना, ठीक है तूने कहा है, चलो तो देख सकते हैं। ये ढाबा है, बढ़िया है, हरियाली है पीछे, पूरी खेत है पीछे और बाकी खुला एरिया है बहुत। ली है चाय, खा लिए है थोड़े बिस्किट, अब चलते हैं वापस गाड़ी के पास। तो भाई बैठ जा। चलिए हाय गाइस, आगे बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। चाय पी ली, कैसी लगी? ये देखिए रियल रिव्यू इधर से आता है। तो गाइस रियल रिव्यू दे तो चाय में बिल्कुल मजा नहीं आया, ठीक है, और 20 रुपए की चाय थी। तो गाइस थोड़ी अच्छी इसको लगी होगी, पर बिल्कुल बकवास चाय थी, और 20 रुपए की चाय बताओ, और बिल्कुल मजा नहीं आया। गाइस फैन का रिव्यू दे रहा है ये रक्षु, बताइए कैसे? कड़वे थे, बासी थे या ताजे थे? बासी थे। गाइस देख सकते हैं आप, तो मतलब सबके दिल को चोट पहुंची है कि इतना बकवास कहाँ पहुंच गया। तो भूल के ही मत जाना, ढाबे की जगह टोल मत जाना। देखिए बच्चे मन के सच्चे। तीसरा टोल था ये, हाँ 3 टोल क्रॉस कर लिए हमने, सब फ्री हैं। अब हम पानीपुर में आ गए, कम से कम हमारे कितने रुपए बच गए होंगे, 300-400 बच गए होंगे, 300-400 रुपए इसी में बच गए हमारे, देख लीजिए आप। तो गाइज ये गूगल मैप भी धोखा देते हुए ये कहीं कट दिखा रहा है, वहाँ कट है ही नहीं, 2 कट हम कम से कम 2.5-3 किलोमीटर आगे आ गए कट ढूंढते, पर कोई नहीं, अब अपनी समझदारी से जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते गाइज, फाइनली अपनी समझदारी से सही रूट पकड़ लिया दोबारा से। पानीपत करनाल टोल, आपने देखा होगा पीछे लंगर भी लग रखा है, हाँ। किसान आंदोलन का टेंट लगा हुआ था एक, हाँ लगा हुआ था। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ तो गाइस फिलहाल पहुँच चुके हैं करनाल, हाँ। जहाँ हमारे हरियाणा के सीएम है, जिनका होम टाउन, हाँ। कह सकते हैं, हाँ, देखिए
बस लगभग पहुंचने ही वाले हैं, 2.5 किलोमीटर रह गया है। तो बस अब ताई जी कह रहे थे फ्रूट हम भी ले लेते हैं, तो रुके हैं यहाँ पे, आए हैं फ्रूट लेने के लिए। चलिए लेते हैं। फाइनली पहुंचने वाले हैं, तो गाइस पहुंचने वाले हैं बस अब। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, और जो कहां पे गाड़ी लगवाए थे अब। तो गाइस अब गाड़ी पार्क कर लेते हैं, घर पहुंच चुके हैं, करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।